ये हमारे पास 1 किलो मटन है, ये हमारे पास आधा किलो टमाटर है, इनको इस तरह कट कर लें स्लाइसेस में। अब इसमें 1 लीटर वाटर डाल दें, ये हमने 1 लीटर पानी डाल दिया इसमें, 1 किलो मटन में 1 किलो ही पानी डाल दें। अब ये जो हमारे पास आधा किलो टमाटर थे हमने कट किए हुए, ये इसमें डाल दें। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दें, नमक आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने इसमें नमक डाल दिया। अब इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दें, ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट है। अब इसे मिक्स कर लें। अब इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दें। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिए। ये हमारे पास तकरीबन 8-10 हरी मिर्चें हैं, इनको इस तरह कट कर लें। अब देखें 10 मिनट हो चुके हैं, अब फ्लेम ऑफ कर दें। इसको उतार लिया हमने। अब देखिए हमने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, अब ये जो मटन है ये इसमें डाल दें। जो हमारे पास हरी मिर्चें थी ये इसमें डाल दें। अब इसका पानी खुश करना है। अब देखे पानी खुश हो रहा है। ये हमारे पास साबुत गरम मसाला है जिसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी है, ये डाल दें। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा डाल दें, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टेबलस्पून डाल दें। अब इसमें 1/4 टेबलस्पून हल्दी डाल दें।
अब देखो पानी खुश्क हो चुका है, अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। हमेशा घी भी इस्तेमाल करते हैं, एक दफा डालडा ऑयल। ये इसमें तकरीबन 2 पकाने के चम्मच डाल दें। आप लोग घी भी यूज कर सकते हैं, घी से टेस्ट और ज्यादा अच्छा आएगा। अब इसको आप लोगों ने अच्छे से भूनना है। अब इसमें दही डाल दें, 1 कप इसमें दही डाल दें फेंट के। दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से ऐसे करना है मिक्स। दही आप लोगों ने हमेशा फेंट के डालना है, किसी भी सालन में यूज करें उसको पहले अच्छे से फेंट लें। देखे माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बन रही है। चम्मच आप लोगों ने इस तरह हिलाते जाना इसमें। अब इसमें गरम मसाला डाल दें, आधा टेबलस्पून डाल दें पिसा हुआ गरम मसाला है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अब ये काली मिर्च है कुटी हुई, ये भी आधा टेबलस्पून डाल दें। ये हमारे पास हरा धनिया कट किया हुआ है, ये डाल दें इसमें। सूखा धनिया तकरीबन आधा टेबलस्पून ये डाल दें अब इसमें। अब इसको फिर से भूनें ऐसे। अभी हम लो फ्लेम पे इसको भून रहे हैं, जितना आप अच्छे से भूनेंगे टेस्ट उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। अब इसमें मिल्क क्रीम डाल दें, ये 50 ml डाल दें इसमें। ये लास्ट में आप लोगों ने ऐड करनी है। अब देखें कढ़ाई माशाल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसकी फ्लेम ऑफ कर दें। यह जी हमारी लाहौरी मटन कढ़ाई की फाइनल लुक तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त लग रही है। अब इसे टेस्ट करते हैं कैसी बनी है।